एक तो संस्कृत के सामने जो चुनौतियां हैं तकरीबन सभी को पता है, काम तो बहुत चल रहा है, पर संस्कृत ही अगर नहीं आएगी तो संस्कृति कैसे बचेगी। सही बात कही आपने, क्योंकि संस्कृति के लिए संस्कृत जरूरी है और संस्कृत हमारी शक्ति भी है और इसको जरूरी है कि देखिए संस्कृत भाषा को जब तक हम आज के आधुनिक रोजगार रोजगार की जो चीजें हैं, रोजगार वाली जो विधाएं हैं उनके साथ नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको जोड़ने का हमने ये प्रयास किया, जैसे योग है, ये हमारे संस्कृत को जीवित रखने का पूरा बड़ा माध्यम। कारण कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आप जब तक उसको जो होगा तो जैसे उसको कहा ना ये पवन मुक्तासन है, ये कूर्मासन है, ये मंडुकासन है, तो सारे शब्द संस्कृत के है ना। तो कोई भी दुनिया के किसी भी, क्योंकि मूल शब्द संस्कृत में और उसको बोलना ही पड़ेगा। आप फ्रॉग पोज और कमल पोज करने से नहीं होगा, उसको कहना ही पड़ेगा इसके आसन मंडुकासन पवन मुक्तासन। तो ये विधा है, तो इसीलिए फिर हमने कहा योग को कैसे इस तरह से जोड़ा जाए। तो योग के लिए अभी तक कितने आसन है या प्रचलन में इधर उधर है, लगभग 4000 तरह के आसनों की लिस्ट बना करके उसी शैली में आपका घेरण संहिता हठ प्रदीपिका की तरह से हम उसको लिखने का काम कर रहे हैं। और उसको लिख करके उसको फिर जब हम समाज के बीच में, योग में लोगों की रुचि है तो पढ़ेंगे, तो संस्कृत भाषा के अंदर नाम होने की वजह से उस संस्कृत के साथ जुड़ा होने से संस्कृत अपने आप जीवित रहेगा।